चलिए आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, अगले लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं अपन। जो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसी का हमें अगले लेक्चर में प्रोग्राम बनाना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसी को कोड में कन्वर्ट करना है हमें, और डेटा स्ट्रक्चर में डायग्राम्स मैटर अ लॉट। ठीक है, तो आप पहले दिन से आदत डाल लीजिए, जब भी डीएस में कोई कोड बनाने बैठे एक बार ऑन पेपर उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। डायग्राम आपका 70-80% काम सिंप्लीफाई कर देगा, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल सही हो जाएगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम और कोड। सो अब हम स्टैक का डायग्रामेटिक व्यू ले रहे हैं, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ स्टैक। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज मुझे बताइए, स्टैक मतलब क्या? कैन आई से इट्स एन एरे? कैन आई से स्टैक इज नथिंग बट एन एरे? राइट, लेकिन एक ऐसा एरे जो ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली है। तो ये दिखाने के लिए कि ये हमारा स्टैक है, हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो कुछ ऐसा करते हैं। दिस इज आर स्टैक। अब आप बताइए, इनिशियली ये स्टैक एम्प्टी है ना? इनिशियली ये स्टैक एम्प्टी है ना? अब यहां पर आएगी प्रोग्रामिंग की बात। आप मानते हैं प्रोग्रामिंग में कुछ एम्प्टी नहीं होता, हर वेरिएबल में कुछ ना कुछ गार्बेज होता है, मानते हैं? अगर आपने सी पढ़ी है तो आप इस बात पे एग्री करते हैं ना, एम्प्टी वेम्प्टी कुछ नहीं होता। ये नॉन टेक्निकल लोगों की भाषा है। इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड समथिंग इज ऑलवेज देयर, राइट? बट हम लॉजिकली मानते हैं कि स्टैक एम्प्टी है। कौन बताएगा कि स्टैक एम्प्टी है? टॉस बताएगा। तो जब स्टैक में कुछ भी नहीं है तो टॉस को हम लोग रखेंगे ऑन माइनस वन। तो अब मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि स्टैक में अगर गार्बेज है और हमने पीप करा तो क्या होगा? गौर कीजिए, पीप कुछ पीप करेगा ही नहीं, क्योंकि पीप पहले टॉस से पूछेगा एलिमेंट है क्या। टॉस बताएगा मैं माइनस वन पे हूं, तो पीप समझ जाएगा कि स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो पुश, पॉप और पीप सब कुछ टॉस के बेस पर करेंगे। टॉस जैसा कहेगा वैसा होगा। तो अगर टॉस माइनस वन पे है तो पीप और पॉप दोनों बोलेंगे स्टैक इज इन अ स्टेट ऑफ अंडरफ्लो। पीप और पॉप दोनों बोलेंगे स्टैक इज इन अ स्टेट ऑफ अंडरफ्लो। यस निशांत, दिस इज लॉजिकल डायग्राम। एग्जैक्टली, फिजिकल डायग्राम तो निशांत मेमोरी में हॉरिजॉन्टल होगा ना? ये बिल्कुल वैसा डायग्राम है जैसा 2D एरे के लिए आप मैट्रिक्स बनाते हैं, याद है? नहीं निहार, पाइथन के अंदर गार्बेज नहीं होता, जावा के अंदर भी गार्बेज नहीं होता, वो लैंग्वेजेस आपको अलाउ ही नहीं करेंगी। पाइथन में तो डिक्लेयर करते ही नहीं है, सीधे इनिशियलाइज करते हैं। जावा के अंदर अलाउ ही नहीं होगा बिना इनिशियलाइज करे एक्सेस करना, और जावा में बाय डिफॉल्ट स्टैक बनेगा तो सब में जीरो आ जाएगा। अगर आपने जावा करी हो, याद कीजिए, जावा में जब आप एरे बनाते हैं और आप कुछ नहीं डालते हैं तो जावा उस सब में डाल देती है जीरो। याद दिलाऊं मैं आपको, ये सी का एरे है, देखिए एरे इन सी लैंग्वेज, ये सी का एरे है। आप बोलते हो int arr 5, राइट? ऑल सेल्स आर इनिशियलाइज विद गार्बेज। बताइए सही बोल रहा हूं है ना? बट अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा में एरे ऐसे नहीं बनता, जावा में एरे ऐसे बनता है। ठीक है, डोंट गो ऑन द सिंटेक्स, सिंटेक्स पे मत जाइएगा। जावा नहीं पढ़ी होगी तो सिंटेक्स समझ नहीं आएगा। बस इतना मान लीजिए, कुछ दिख रहा है आपको एरे के साथ स्पेशल कीवर्ड? दिख रहा है आपको न्यू नाम का कीवर्ड जावा में? ये सी लैंग्वेज में एमएलॉक होता है, पढ़ा है ना एमएलॉक आप लोगों ने? वो जावा के अंदर न्यू होता है, और ये कीवर्ड ये कहता है ऑल सेल्स विल बी सेट टू जीरो। ये कहता है ऑल सेल्स विल बी सेट टू जीरो, राइट? अब आप बताइए डेटा स्ट्रक्चर क्या कहती है, बताइए। पता चलेगा आपको डीएस कैसे इनसे अलग है। डीएस बोलती है ना गार्बेज ना जीरो, डीएस बोलती है स्टैक एम्प्टी है। समझ रहे हैं आप इस बात को, हम क्यों कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है? डेटा स्ट्रक्चर सी की बात भी नहीं मानती कि गार्बेज होगा, वो जावा की बात भी नहीं मानती कि जीरो होगा, वो मानती है भाई स्टैक एम्प्टी होगा अगर स्टैक में कुछ नहीं है तो। समझ आ रहा है? इसलिए अपन डे वन से बोल रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। आपको जैसा करना है वो आप लैंग्वेज में करिए, बट डीएस के रूल्स अपने अलग हैं। आगे बढ़ूं? पहला डायग्राम क्लियर है, आगे बढ़ूं?
राइट अच्छा, और ये कौन है, ये जो मैंने आपको वर्टिकली दिखाया हुआ है, हु इज दिस? ये हमारा एरे है, और इस कंप्लीट डायग्राम को हम क्या बुला रहे हैं, ये कंप्लीट डायग्राम हमारे लिए स्टैक है। भूलिएगा मत इस बात को अगले लेक्चर के लिए, भूलिएगा मत इस बात को अगले लेक्चर के लिए, ये कंप्लीट डायग्राम हमारे लिए स्टैक है। और आप मानते हैं फिलहाल स्टैक एम्प्टी है, आप मानते हैं फिलहाल स्टैक एम्प्टी है, तो हम डायग्राम के नीचे लिख देंगे एन एम्प्टी स्टैक। ठीक है, चलिए अब हम पुश करते हैं स्टैक के अंदर कुछ। बताइए अगर हम स्टैक के अंदर 10 को पुश करें, कर सकते हैं? स्टैक के अंदर 10 को पुश करना है, कर सकते हैं? अपने चॉइस का एलिमेंट पुश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एलिमेंट हमारा होगा, जगह टॉस और स्टैक डिसाइड करेंगे। तो आप गेस करिए जब पुश होगा, इसको ऐसे दिखाते हैं क्योंकि पुश एक फंक्शन की तरह होगा, हम कहेंगे पुश 10। ये लाइन समझ में आ रही है, पुश 10, ये 10 समझ में आ रहा है पैरेंथेसिस में जो मैंने लिखा है? आई थिंक एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। ये 10 आर्ग्यूमेंट होगा, क्यों? क्योंकि हम पुश को क्या बनाने वाले हैं, हम पुश को बनाने वाले हैं फंक्शन। पुश विल बी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, तो हम पुश को 10 देंगे। एंड व्हाट विल पुश डू? पुश टॉस को लाएगा 0 पे और 0 सेल पे डाल देगा 10। समझिएगा पुश के दो मेन ऑपरेशंस क्या हैं, दो मेन स्टेप्स क्या हैं, टॉस बढ़ाओ और जहां टॉस है वहां पर एलिमेंट डाल दो, टॉस बढ़ाओ और जहां पर टॉस है वहां पर एलिमेंट डाल दो। क्लियर? अगर मैं पूछूंगा अब क्या हुआ, तो आप बोलोगे ये हो गया अ स्टैक विद वन एलिमेंट, ये हो गया अ स्टैक विद वन एलिमेंट। क्लियर है डायग्राम? यस और नो? डायग्राम क्लियर है? प्लीज एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक, आप मुझे बताइए 20 पुश करना है, पुश को कैसे देंगे अपन 20 और डायग्राम में क्या चेंज आएगा? टेल मी। वेरी गुड, पुश को 20 देंगे लाइक दिस, पुश 20 ऐसे करेंगे अपन। ठीक है, और पुश टॉस को फिर एक स्टेप ऊपर लाएगा, जहां टॉस होगा इंडेक्स नंबर 1 वहां पर डाल दिया जाएगा 20। बिल्कुल बिल्कुल, टॉस को प्लस 1 करेंगे और जहां टॉस होगा वहां पर डाल देंगे अपन 20। समझ आया? आगे बढ़ू मैं? राइट, अब आप मुझे बताइए ऐसे अगर हमने मल्टीपल कॉल्स पुश के दिए, ऐसे अगर हमने मल्टीपल कॉल पुश के दिए तो एक आखिरी स्टेज आएगी ना पुश 50 की, एक आखिरी स्टेज पुश 50 की आएगी। राइट, उस वक्त बताइए स्टैक कैसा दिखेगा जब 50 पुश हो जाएगा, जब 50 पुश हो जाएगा। वेरी गुड, स्टैक ऐसा दिखेगा, ये स्टैक के इंडेक्सेस होंगे, करेक्ट? 10, 20, 30, 40, टॉस को हम ऊपर लेकर आएंगे इंडेक्स नंबर 4 पे और जहां टॉस होगा वहां पे डाल देंगे अपन 50। क्या मैं बोल सकता हूं ये फुल स्टैक है? राइट, दिस इज फुल स्टैक। ये स्टेप नंबर 5 होगा क्योंकि आपका ये पांचवा एलिमेंट है जो पुश हो रहा है। एग्रीड? ठीक है, अब मैं स्टैक के अंदर 60 पुश करता हूं। अगर आज का लेक्चर आपको क्लियर हो रहा है तो आप मुझे बताइए 60 पुश करने पर क्या होगा? स्टेप नंबर 6 पे आ गए हम और हमने अब पुश करा 60, कुछ नहीं होगा, ना टॉस हटेगा अपनी जगह से, ना 60 स्टैक में जाएगा। पुश स्क्रीन पे एक एरर मैसेज दे देगा, स्क्रीन पे एक मैसेज दे देगा या एरर मैसेज दे देगा, एंड दैट इज स्टैक ओवरफ्लो। इसका मतलब स्टैक जैसा था वैसा ही रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टैक में अभी भी 5 एलिमेंट्स रहेंगे, 5 का 6 नहीं होगा क्योंकि स्टैक अपनी कैपेसिटी से ज्यादा डेटा कभी नहीं रख सकता। ठीक, ये एलिमेंट्स पहले जैसे ही नजर आएंगे, टॉस पहले की तरह इंडेक्स नंबर 4 पे होगा। सो ये टॉस है, करेक्ट,
और अब हम बोलेंगे स्टैक ओवरफ्लो। ये वो स्टेज आएगी स्टैक में जब एक फुल स्टैक में आप पुश करेंगे। आया समझ? हुआ क्लियर? चलिए लास्ट डायग्राम्स आज के। आप मुझे बताइए, मुझे स्टैक में से पॉप करना है। जब हम लोग पॉप कॉल करेंगे तो क्या हम उसे डेटा देंगे? क्या हम उसे डेटा देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, भूल गए आप। पॉप को हम नहीं देंगे डेटा, समझ रहे हैं? पॉप बस पॉप कॉल होगा और पॉप का काम है स्टैक का टॉप एलिमेंट निकाल लेना। तो गेस करिए, जब पॉप टॉप एलिमेंट निकालेगा तो क्या चेंज आएगा डायग्राम में? बताइए, जब पॉप टॉप एलिमेंट निकालेगा तो डायग्राम में क्या चेंज आएगा? आप ये दिखाएंगे 50 ऐसे बाहर आ गया और टॉस कहां आ गया? टॉस अब आ गया इंडेक्स नंबर 4 पे। करते हैं एग्री? इंडेक्स नंबर 3 पे, सॉरी। ठीक, तो आप 40 टॉप एलिमेंट है। सतीश, हम स्टैक को स्टैटिकली बना रहे हैं इसलिए स्टैक को रन टाइम पे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए डायनेमिक स्टैक बनेगा, आगे आएगा वो भी। अभी स्टैक हमारा फिक्स साइज का है 5, जो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टैक को पहले से पता होगा, जैसे एरे को भी तो पता होता है ना पुष्कर। आप सोचिए, अगर आप एक एरे की प्रोग्रामिंग करते हैं उसको भी तो साइज देते हैं ना। बस यही चीज स्टैक के साथ होगी, राइट? चलिए, अब मैंने एक और पॉप कॉल करा, अब क्या होगा बताइए? सेकेंड टाइम पॉप कॉल होने पर, गुड, सेकेंड टाइम पॉप कॉल होने पर टॉस और एक सेल डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, हम ये मानेंगे 40 भी बाहर आ गया है। ठीक, अब स्टैक में रह गए 30, 20, 10 और टॉस को एक स्टेप नीचे लाएंगे। क्यों ला रहे हैं टॉस को नीचे? क्योंकि अब टॉप एलिमेंट 30 है जिसका इंडेक्स 2 है। बताइए, टॉस 2 पे रहेगा रोहित, 3 पे नहीं, 3 पे तो था, पॉप के बाद तो 2 पे आ जाएगा ना। हुआ क्लियर? आया डायग्राम समझ में? अब ऐसे चलते चलते मान लीजिए एक स्टेज आएगी जब स्टैक में से सारे एलिमेंट हट जाएंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट स्टैक में से निकल गए होंगे। आप मुझे बताइए, जब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो टॉस कहां पर है? जब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, टॉस वापस -1 आ जाएगा, 0 पे नहीं होगा। टॉस 0 पे होगा तो मतलब एक एलिमेंट है, टॉस आ चुका होगा -1 पे, राइट? और अब अगर अपन ने पॉप कॉल करा तो क्या होगा बताइए? तो आएगा मैसेज स्टैक अंडरफ्लो। अच्छा, ये मैसेज कंपाइलर देगा कि ये मैसेज हम ही लोग देंगे? ये मैसेज कंपाइलर के हैं कि हमारे हैं? यस, हमारे हैं। स्टैक हमने बनाया है, कंपाइलर ने नहीं बनाया है। नहीं रवीश, ये प्रोग्रामर के एरर मैसेजेस हैं, हम देंगे इफ लगाकर। आप समझ रहे हैं पुश पॉप में इफ लगेगा? आप समझ रहे हैं इस बात को? पुश पॉप के अंदर इफ लगेगा, इफ में कंडीशन टेस्ट होगी, उस कंडीशन के बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे ओवरफ्लो बोलना है कि नहीं, अंडरफ्लो बोलना है कि नहीं। हुआ क्लियर? तो ये प्रोग्रामर के मैसेजेस हैं, बस इनकी वोकैबुलरी पहले से डीएस ने फिक्स करी है कि प्रोग्रामर ओवरफ्लो ही बोलेगा, प्रोग्रामर अंडरफ्लो ही बोलेगा अगर स्टैक खाली है और कुछ पॉप हो रहा है। कनिष्क, वही सिंटेक्स होगा जो एरे के लिए होता है, वही सिंटेक्स होगा जो एरे के लिए होता है। बिल्कुल सही अंशुल, बताइए। अब डायग्रामेटिक व्यू क्लियर है सबको?